अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? वक्त निकालना पड़ा आप सबको अपना वीलॉग दिखाने के लिए, आप सबसे बात करने के लिए। अभी भी मैं यकीन माने एज अ लेक्चरर ड्यूटी करता हूँ, लेकिन फिर भी जो है ना वक्त निकालने के लिए ना बहुत कुछ पापड़ बेलने पड़ते हैं। अभी भी मैं झूठ बोला है कि मैं ना 2 मिनट में आया अपने साथ वाले कलीग्स को। और देखें, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे हमारे करीब घर के ये ज़मींदार डिग्री कॉलेज है, और ज़मींदार डिग्री कॉलेज में ये पंजाब का 3रे नंबर पर बड़ा कॉलेज है, बल्कि पहले पंजाब का पहले नंबर, पाकिस्तान का 3रे नंबर पर बड़ा कॉलेज आता है। और ये 1914 में बना था, शायद उस वक्त पाकिस्तान भी नहीं था बना हुआ। तो मैंने खुद अलहमदिल्ला स्कूल ज़मींदार स्कूल ज़मींदार डिग्री कॉलेज में तलीम हासिल की हुई है, और यकीन माने बड़ी मुश्किल से पास हुआ था। तो ये हमारे घर के करीब है, यहाँ इस वक्त बहुत, हाँ ये देखा आपको आवाज़ आई होगी, इसी आवाज़ को सुनने के लिए जो है ना यकीन माने बहुत मन खुश होता है। कई बार हम छत पे अपनी मदर के साथ फैमिली के साथ बैठ जाते हैं ताकि हम देखें और सुनें कि ये परिंदे किस तरह जो है ना चहचहा रहे हैं। और यकीन माने बहुत प्यारा ये एक मंज़र होता है जब हम कुदरत और नेचर को देखते हैं अपने करीब से। और यकीन माने ये देखें दूसरा व्यू, ये देखिएगा, ये इस वक्त सूरज डूब रहा है। और यकीन माने इतना प्यारा मंज़र है, मैं खुद भी देखा है कि मैं बहुत चीज़ का आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ अबाउट नेचर, के नेचर जैसी चीज़ कोई नहीं है कुदरत में। तो हमारे पास तो आजकल जनाब टाइम ही नहीं होता इस चीज़ के लिए, वैसे बाकी कामों के लिए हमारे पास बहुत टाइम होता है, यकीन माने बहुत टाइम होता है, लेकिन इस काम के लिए इस चीज़ को देखने के लिए टाइम नहीं है। वैसे तो ये साथ है कबूतर भी बैठे हुए हैं, तो ये देखें ये हमारे मोहल्ला है सारा। आगे जाऊंगा तो शायद हम सहे कहेंगे ये ऊपर क्या कर रहे हैं, तो क्योंकि हम बहुत रेयर जो है ना आते हैं छत पे। ये हमारे बैक साइड पे लेबर कॉलोनी है, इस लेबर कॉलोनी में ये होता है कि यहाँ पे जितने भी मजदूरदार लोग हैं वो सारे के सारे ये देखें कोई लोग पतंग भी उड़ा रहे हैं। आपको पता है पतंग उड़ाने का आजकल जो है ना वो इस चीज़ पे बैन है, तो इस चीज़ को ज़रा ना हमें कंट्रोल ही रखना चाहिए। लेकिन यकीन माने वो उड़ा भी मेरा भतीजा रहा है, मना किसको कह रहा हूँ, और देखें उड़ा भी जो है ना वो मेरा भतीजा ही रहा है। इसको एक नंबर तो पुलिस ने भी पकड़ा है, लेकिन फिर भी वो जो है ना जिस चीज़ का शौक होता है वो शौक होता है। और ये देखें ये जनाब, ये देखें ये हमारे हमसायों की है चहीती, और इसने 2 दिन पहले क्या किया, हमने इधर कपड़े डाले हुए थे, इधर नए कपड़े थे, तो इसने फाड़ के हाथ पकड़ाए हैं, छलांगे लगा के इसने कपड़े पकड़े हैं, और क्या किया इसने जनाब वो कपड़ों को इसने पीसेस में कन्वर्ट कर दिया। उसके लिए तो जनाब इंजॉयमेंट था, और वो कपड़े भी जनाब मेरे पापा के थे। और फिर तो मेरे बाप ने वो बातें सुनाई, क्या बात है। तो मैंने कहा जी वो तो उसने किया है, हमने क्या किया है, तो कहते हैं उसने तो किया जो किया, आपने क्यों ये वहाँ पे लटकाया मेरे कपड़े। तो मैंने कहा चले ठीक है, जो होता है बेहतर है। अब ये देखें जी एक खूबसूरत व्यू दोबारा आपको दिखाते हैं। ये देखिए इस वक्त सूरज ग़ुरूब हो रहा है, एक बहुत ही प्यारी अल्लाह ताला की ज़ात की नेचर की एक सीनरी सी आपको नज़र आ रही है। हमारे बैक साइड पे ग्राउंड है, और ये देखें इस ग्राउंड से कुछ ऐसी चीज़ें भी सामने आती हैं। ये देखें इसको पंजाबी में कहते हैं तमूड़ी, और उर्दू में मुझे नहीं पता क्या कहते हैं। और अगर ये लड़ जाए तो वाह, तो गर्मी में देखें ये आपका हालत ख़राब हो जाती है। मिलते हैं आपको कुछ टाइम के बाद इंशाल्लाह दोबारा। अल्लाह हाफिज़।